छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में G20 समूह की होने वाली बैठक की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री ने सीएम हाउस में आयोजित होली महोत्सव का मुख्यमंत्री से जिक्र करते हुए कहा कि हमने होली पर फाग गाते हुए आपको देखा। मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम मोदी को राजकीय पशु वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना है 2011 के हिसाब से हुआ, तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो पोल लेवी दी गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4,170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात ये है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसे औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको उसका कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूशन में किया जाए। तो चौथा, क्योंकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड भी थी लोगों की और हम लोगों ने बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा। G20 को लेकर चर्चा हुई जी, चर्चा कर रहे थे कि किन किन राज्यों में चर्चा कैसा हुआ और बहुत बढ़िया हुआ ये बताए। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सितम्बर में होने वाला है, हमारी डेट सितम्बर में आने वाली, हमारी तैयारी है उसके मामले में, औपचारिक रूप से लगातार बैठते हैं और चर्चा कर रहे हैं। आपने कब उनको आने के लिए आमंत्रित किया छत्तीसगढ़? सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण उन्होंने दिया ही है। G20 का जो होगा सम्मेलन सम्मिट होगा उसमें तो आएंगे प्रधानमंत्री जी। और फाग की बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा है कि आप बड़े होली के त्यौहार आप सब साथ मना रहे हैं। सर, लाइट